क्लास एट्थ योर नेक्स्ट टॉपिक इज द फर्टिलाइजेशन. फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एन ओवम. कह रहा है कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें फ्यूजन होती है स्पर्म की और एग की. व्हेन स्पर्म्स कम इन कॉन्टेक्ट विद एन एग, जब स्पर्म्स जो हैं वो एग के कॉन्टेक्ट में आते हैं, वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज विद द एग, उनमें से एक स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज कर जाता है. सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म सिंगल न्यूक्लियस. कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है स्पर्म का न्यूक्लियस जो है और एग जो है एग का न्यूक्लियस वो आपस में फ्यूज करके सिंगल न्यूक्लियस को बनाते हैं. द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगॉट, जिससे जो है वो जाइगॉट की फॉर्मेशन होती है. देन उसके बाद देखिए आप फर्टिलाइजेशन के इवेंट में, कि फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे जो है अवम है, अवम के साथ जो है वो फ्यूजन हो जाती है किसकी, स्पर्म सेल्स की. तो यहाँ पे जाइगॉट की फॉर्मेशन होती है. यहाँ पे एक न्यूक्लियस जो है वो एग सेल का होता है, दूसरा न्यूक्लियस स्पर्म सेल का होता है. दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं और जाइगॉट की फॉर्मेशन करते हैं. इस तरह से एक्ट होता है फर्टिलाइजेशन का. यू नो दैट द जाइगॉट इज द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल. आप सब जानते हैं कि जाइगॉट जो है इसमें बिगनिंग होती है न्यू इंडिविजुअल की. द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर. कह रहे हैं कि जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का वो उसमें क्या होता है कि एग सेल जो है मदर से आता है और स्पर्म सेल जो है वो फादर से आता है. सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर. लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर्स इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और फादर. कह रहा है कि जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का उसमें एग सेल की जो मदर से आता है और स्पर्म सेल जो फादर से आता है उसकी मीटिंग होती है. न्यू इंडिविजुअल जो है वो अपने जो उस न्यू इंडिविजुअल के जो करेक्टर होते हैं वो उसके मदर और फादर के होते हैं. आप अपने ब्रदर और सिस्टर की तरफ देखिए, आप देख सकते आप क्या उन आप ब्रदर और सिस्टर को देखिए, उन आप उनके जो करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे वो सिमिलर होंगे उनके मदर और फादर की तरह. फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इन साइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के अंदर होती है उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मैनी एनिमल्स. इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो मैनी एनिमल्स में होती है, जैसे कि ह्यूमन्स, काउज, डॉग्स एंड हेंस में. देन उसके बाद हैं नेक्स्ट इसमें है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बताया गया है इस कॉलम में. टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में कि टेस्ट ट्यूब बेबी की भी आजकल फॉर्मेशन होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू. देन उसके बाद यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. फीमेल की बॉडी के बाहर जो है फर्टिलाइजेशन होती है कुछ इंडिविजुअल्स में. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर. फर्टिलाइजेशन जो है वो पानी में होती है. लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन्स. कह रहे हैं कि देखिए कि हमारी बॉडी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है. मीन्स कुछ फर्टिलाइजेशन जो है वो वाटर के अंदर होती है. ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन, अगर आप बात करें रेनी सीजन की, तो फ्रॉग्स और टॉड्स होती हैं. फ्रॉग्स होते हैं जैसे जो मेंढक होते हैं, और टॉड्स होती हैं जो फीमेल मेंढक होते हैं, उनको टॉड्स कहते हैं. मूव टू द पॉन्ड्स, पॉन्ड्स की तरफ चले जाते हैं फ्रॉग और टॉड. स्लोइंग स्ट्रीम्स, ठीक है. देन व्हेन द मेल एंड द फीमेल कम टुगेदर इन द वाटर, जब पानी में मेल और फीमेल फ्रॉग्स दोनों इकट्ठे होते हैं, दोनों इकट्ठे होते हैं. फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स. फीमेल जो है वो बहुत सारे एग्स को रिलीज करती हैं. अनलाइक हेंस एग्स, फ्रॉग एग इज नॉट कवर्ड बाय अ शेल एंड इट इज़ कंपेरेटिवली वेरी डेलिकेट. कह रहा है कि जैसे जो मुर्गी का अंडा होता है तो उस अंडे के बाहर शेल होता है, तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो फ्रॉग होती है, जो टॉड होती है, टॉड के जो एग्स होते हैं उनके बाहर कोई कवर नहीं होता है, उनके बाहर कोई कवर नहीं होता है. तो नॉर्मली जो है वो एग्स जो है वो पानी में पड़े रहते हैं, उनके ऊपर जो है वो म्यूसिलेजिनस शीथ आपको दिखाई देगी. म्यूसिलेजिनस शीथ दिखाई देती है. अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग. एक लेयर होती है जेल की जो कि होल्ड करके रखती है एग्स को.
ठीक है, टू और इसी जेली से जो है वो प्रोटेक्शन होती है एग्स की. एज द एग्स आर लेड, जिस तरह से जो है फ्रॉग जो है वो एग को ले करती है, द मेल डिपॉजिट स्पर्म्स ओवर देम. तो मेल जो है उनके ऊपर स्पर्म्स को ले कर देता है. जैसे मेल फ्रॉग आएगा तो इन एग्स के ऊपर वो स्पर्म्स को ले कर देगा, स्पर्म्स को जो है वो स्प्रेड कर देगा. ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर, हर एक स्पर्म जो है वो रैंडमली स्विम करेगा पानी में, विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, और लॉन्ग टेल की हेल्प से रैंडमली मूव करेगा. टेल जो है वो हेल्प करती है मूवमेंट में. स्पर्म्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द एग, दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन, इससे जो है वो फर्टिलाइजेशन होगी. दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल टेक्स प्लेस, ऐसी फ्यूजन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं, ऐसी फ्यूजन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो बॉडी के आउटसाइड फ्यूजन होती हैं, उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. कहने का मतलब कि बॉडी के बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगी मेल और फीमेल गैमेट्स की, जिसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स, कह रहा है कि एक्वेटिक एनिमल्स में बहुत कॉमन होती है, जैसे कि फिश में कॉमन होती है, स्टार फिश में कॉमन होती है. ठीक है, तो इस तरह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है. अभी तक मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग सीजन में, रेनी सीजन में जो टॉड्स होती हैं वो एग ले करती हैं, ठीक है, और जो फ्रॉग्स होते हैं, फ्रॉग्स इन एग्स के ऊपर जो है स्पर्म्स को ले करते हैं. तो दोनों के जो मेल न्यूक्लियाई और फीमेल न्यूक्लियाई हैं वो आपस में फ्यूज होकर जाइगोट को बनाते हैं. तो इस तरह जो फर्टिलाइजेशन हुई तो वो पानी में हुई. किस में हुई, पानी में हुई. ठीक है, तो पानी में हुई, पानी में होने वाली फर्टिलाइजेशन है, और ये बॉडी के आउटसाइड हुई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है. क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो है वो यहाँ पे इवेंट्स बताए गए हैं कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है. सो देखिए आपकी यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जो है हमारे जो है ये ओवरी का स्ट्रक्चर है. तो ओवरी के स्ट्रक्चर में जो है वो एग रिलीज होता है. एग जब रिलीज होता है तो ओवुलेशन के दौरान जब एग रिलीज होगा तो यहाँ पे जो अगर मेल स्पर्म आ जाता है तो यहाँ पे जाइगोट बन जाता है. जाइगोट बनने के बाद जो है टू सेल्ड स्टेज, मरूला स्टेज बनती है, देन उसके बाद टू सेल्ड स्टेज बनती है, फिर उसके बाद 8 सेल्ड, देन 16 सेल्ड, देन 32 सेल्ड स्टेज. फिर इस तरह से बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं और फाइनली जो है ये यूट्रस तक पहुँचते हैं. फिर यहाँ जो है ये यूट्रस तक पहुँचते हैं. कहाँ पहुँचते हैं, यूट्रस तक पहुँचते हैं, एम्बेडिंग एम्ब्रियो. देन जाइगोट फॉर्मेशन होती है और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, ये इस डायग्राम में बताया गया है. देन उसके बाद जो है वो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बताया गया है कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किस तरह से होती है. यहाँ पे जो है वो बताया फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, यहाँ पे देखिए अब इस डायग्राम में आप कि यहाँ पे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई. पहले जाइगोट बना है, फिर उसके बाद 2 सेल्ड 3 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, 32 सेल्ड स्टेज, ये सारी स्टेजेस बनी हुई हैं. ये सारी स्टेजेस जो हैं ये एम्ब्रियो है. क्या है ये, एम्ब्रियो, यानी कि जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो बना. तो यहाँ पे अगला टॉपिक तभी आपका इसलिए दिया गया है, ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. क्या दिया है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है जाइगोट बनता है, और जाइगोट जो है उससे डेवलपमेंट होती है किसकी, एम्ब्रियो की. जाइगोट से डेवलपमेंट होती है किसकी, एम्ब्रियो की. सो इसमें जो है जाइगोट से जो है वो सबसे पहले जो है वो एम्ब्रियो बनता है. तो एम्ब्रियो जो है, जाइगोट जो है, सपोज होता क्या है, जैसे मेल है तो उसका न्यूक्लियस है, देन फीमेल का न्यूक्लियस है, दोनों आपस में एन एन मिल गए तो 2n जाइगोट बन गया. क्या बन गया, जाइगोट. इसी जाइगोट से जो है वो बेबी की डेवलपमेंट होती है. तो बेबी की डेवलपमेंट होने के लिए जाइगोट से जो है, जाइगोट से जो है वो एम्ब्रियो बनेगा. जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा. फिर इसी एम्ब्रियो से बेबी की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, सो क्या होता है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन जाइगोट. ठीक है, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन जाइगोट, जाइगोट रिजल्ट्स इन एम्ब्रियो. सो सेल्स जो हैं एम्ब्रियो के, द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डिवेलप इन टू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. इसका मतलब क्या है कि जो सेल्स बने, जैसे कि जाइगोट बना, फिर उसके बाद जो है एम्ब्रियो बना, तो एम्ब्रियो के जो सेल्स होंगे, जैसे एम्ब्रियो के सेल्स हैं, ये सेल्स हैं एम्ब्रियो के. ठीक है, तो इन सेल से जो हैं कुछ सेल्स जो हैं टिश्यूज बनाएंगे, इन्हीं सेल से कुछ सेल्स जो हैं आपस में इकट्ठा ग्रुप बनाकर टिश्यूज़ को बनाएंगे, और टिश्यूज़ बनने के बाद जो हैं ऑर्गन्स बनेंगे,
और उस इंडिविजुअल के वेरियस ऑर्गन्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन होगी. दिस डिवेलपिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो. ये जो सारी चीज़ों को डिवेलप कर रही है स्ट्रक्चर, इसको एम्ब्रियो कहते हैं. सो हम बोल सकते हैं कि द डिवेलपिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो. द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस. एम्ब्रियो जो है वो कहाँ पे एम्बेडेड हो जाता है, यूट्रस की वॉल में. यहाँ पे यूट्रस होता है, ये फीमेल का यूट्रस होता है. तो यहाँ पे एम्ब्रियो जो है इस वॉल के अंदर ही एम्बेडेड हो जाता है, इसके वॉल के अंदर चला जाएगा. ये जो है यहाँ पे एम्ब्रियो की वॉल है, ये एम्ब्रियो की वॉल के अंदर जो है कौन चला जाएगा, यहाँ पे जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो रहेगा. अब ये वॉल के अंदर चला जाएगा. देन इसके बाद जो है एम्ब्रियो कॉन्टिन्यूस टू डिवेल्प इन द यूट्रस. एम्ब्रियो जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिवेल्प करता है यूट्रस में, यूट्रस में डिवेल्प करता है. इट ग्रेजुअली डिवेल्प्स द, और ये डिवेल्प कर लेता है किसको, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स को, सच एज द हैंड्स. कह रहे हैं कि बहुत सारे पार्ट्स की डिवेलपमेंट हो जाती है, जैसे कि हैंड्स की, हैंड्स बनने लग जाते हैं बच्चे के, लेग्स, हेड, आईज एंड ईयर. द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की ये स्टेज जिसमें सभी बॉडी पार्ट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, ठीक है. यहाँ पे जो है आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं सभी पार्ट्स की. यहाँ लेग्स दिखाई दे रहे हैं, आर्म्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम फीटस कहते हैं. व्हाट इज़ फीटस? फीटस में हम जो बेबी है, बेबी के अलग अलग ऑर्गन्स को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं. व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कम्प्लीट, जब डेवलपमेंट जो है फीटस की वो कम्प्लीट हो जाती है, देन मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी. तो मदर जो है वो बर्थ दे देती है बेबी को. इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेंस ऑल्सो. कह रहे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो हेंस में भी होती है. बट डू हेंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउस. कह रहे कि ह्यूमन बींग्स और काउस की तरह हेंस जो हैं वो डायरेक्टली बेबीज को प्रोड्यूस कर सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है. हैंस पहले क्या देते हैं, एग्स देते हैं. उन एग्स को इनक्यूबेट करते हैं, इनक्यूबेट करने के बाद उनसे जो है वो नए बेबी की फॉर्मेशन होती है. हाउ आर चिक्स बॉर्न, हाउ आर चिक्स बॉर्न, चिक्स जो हैं वो किस तरह से बनते हैं, लेट अस फाइंड आउट. सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट. कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है जाइगोट जो है वो रिपीटेडली जो है डिवाइड करता है और ओविडक्ट्स में चला जाता है. मैंने क्या बोला कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट जो है वो डिवाइड करता है और कहाँ चला जाता है, ओविडक्ट्स में चला जाता है. यहाँ पे देखिए आप, पिछले डायग्राम में बताया गया था कि यहाँ पे जाइगोट बनता है, फिर वो डिवाइड करता है, रिपीटेडली डिवाइड होता है. ये एक बार डिवाइड हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, रिपीटेडली डिवाइड होने के बाद ये कहाँ पर आ गया, इन ओविडक्ट्स में आ गया, ठीक है. ओविडक्ट्स में जाइगोट जो है वो चला जाता है रिपीटेडली जो है डिवाइड होने के बाद, ठीक है. अब ओविडक्ट्स में आ गया, यहाँ पे जाइगोट जो है वो कहाँ आ गया, ओविडक्ट्स में आ गया. एज इट ट्रेवल्स डाउन, जैसे नीचे जाएगा इसके बाहर जो है प्रोटेक्टिव लेयर्स बननी शुरू हो जाएंगी. जो एम्ब्रियो ओविडक्ट्स में आया उसके बाहर जो है क्या बनने लग जाएगा, प्रोटेक्टिव लेयर्स बनने लग जाएंगे. हार्ड शेल दैट यू सी इन द हेंस एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर. कह रहे कि जो हार्ड शेल आप हेन में देखते हो, तो हेन में भी क्या होता है कि यहाँ पे हेन के अराउंड जो है, हेन का जो एग है, एग के अराउंड जो है प्रोटेक्टिव लेयर बनने लग जाती है, शीथ बनने लग जाती है, हार्ड शेल बनने लग जाता है. द हेन फाइनली लेज द एग, देन फिर हेन जो है वो फाइनली एग को ले कर देती है. एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 weeks टू डिवेल्प इन टू अ चिक. कह रहे हैं कि जो एम्ब्रियो होता है वो 3 हफ्ते में जो है वो चिक में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो एग होता है, एग जो है वो 3 weeks में चिक में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर जो हेन है उसको अच्छी तरह से जो है वो इनक्यूबेट करेगी. देन उसके बाद जो है